तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, आप लोग के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि भाई अपना काइट का कलेक्शन दिखाओ। तो आज की वीडियो में आपको अपना काइट का कलेक्शन दिखाऊंगा, तो इस वीडियो के एंड तक पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। तो ये देखिए, ये खुल गया अब। तो दोस्तों ये देखिए, ये रही पतंगे। और इसमें मैं आपको बता दूँ, कुछ पहले की पतंगे भी हैं और मैं कुछ नई लेकर आया हूँ, तो मैं आपको सारी दिखा देता हूँ। तो ये तो देखिए, मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है। उसके बाद ये ब्राउन कलर की हो गई खातिमा पेपर में पतंग है, ये भी मैंने आपको पहले दिखा रखी है। तो जो मैंने पहले दिखा रखी वो आपको नहीं दिखाऊंगा, जो नई लाया हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो एक ये देखिए, ये पतंग आप देख सकते हैं त्रिवेणी पेपर में है और बहुत अच्छी लगी यार ये मुझे पतंग। मैं ये वाली पतंग और लेकर आऊँगा और मैं आपको फिर और भी दिखाऊँगा वाली पतंग। तो चलिए इसे फिर रखता हूँ मैं। इसके बाद ये देखिए, ये भी मैंने आपको पहले दिखा रखी है पतंग, तो इसे भी हटाओ। अब ये देखिए, ये ग्रीन वाली नहीं दिखाई, ये पतंग मैं लेकर आया था अभी, मतलब 1 महीने हो गए हैं जिन सारी पतंगों को, 1-1.5 महीना हो गया है लेकिन मैंने आपको दिखाई नहीं है। पतंग बहुत बढ़िया है यार, और पेपर जो है खातिमा पेपर है पतंग का। ये देखिए खातिमा पेपर में पतंग, और घुटाई भी करी गई है पतंग में, 8 रुपये की पतंग है अगर आपको दिख रही होगी घुटाई। चलिए फिर, अभी धूप नहीं तो आपको घुटाई नहीं दिखेगी, लेकिन घुटाई करी गई है पतंगों में सारी। इसके बाद ये फिर से ब्राउन है, इसे तो हटाता हूँ मैं। ये देखिए स्काई ब्लू, और जो पेपर यूज करा गया इसमें वो भी खातिमा है। और प्राइस मैंने बताई दिया 8 रुपये इसका भी। पतंग बढ़िया है एकदम। चलिए फिर इसे भी हटाता हूँ मैं। अब ये देखिए वाली पतंग, आप देखिए कितनी बढ़िया है, एक यूनिक सा डिज़ाइन देने की कोशिश करी गई है इसमें। और ये भी खातिमा पेपर में है पतंग, काफ़ी सॉलिड पतंग है यार, बढ़िया है ये भी पतंग। ये देखिए, इसके बाद आपको ये एक ये मिल जाएगी पटेदार, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है पतंग, ये भी बढ़िया है, काम करा गया है पतंग में। आप देख सकते हैं घुटाई भी आपको दिख रही होगी हल्की हल्की, आप देखें पतंग की बढ़िया है। चलिए फिर इसे भी हटाता हूँ मैं। उसके बाद ये देखिए यार, वाइट कलर की पतंग, ये तो मैं रक्षानंद के लिए लाया था लेकिन ज़्यादा यूज नहीं हो पाई, तो ऐसी रखी हैं अभी तक, फिर देखते हैं आगे कभी यूज होंगी। फिर से ये देखिए, वो ये ब्लू जो अभी दिखाई थी आपको, ये देखिए। चलिए इसे भी हटाता हूँ। इसके बाद थोड़ी पतंग फट गई थी, ये देखिए पटेदार है, थोड़े लंबे फर्मे में पतंग है लेकिन अगदी। और ये भी देखिए, ये रेड में पटेदार है, ये भी वही सेम फर्मा है जो अभी दिखाया है। चलिए फिर ये भी हटाते हैं। ये पुरानी पतंग है, ये मैंने पहले आपको दिखा रखी है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा दिखाने की। तो ये हटाता हूँ। इसके बाद फिर से ब्लू है, ये भी वही पुरानी। चलिए अब आपको ये वाली दिखाते हैं, रेड वाली, ये मैं नई लेकर आया हूँ। ये देखिए भाई, बढ़िया एकदम पतंग, खातिमा पेपर है इसका भी, और पतंग का जो प्राइस है इसका भी 8 रुपये है। सारी पतंगें बढ़िया हैं। और यार एक चीज़ और बताऊँगा, रेड पतंग जब आप लड़ाते हो ना धूप में बहुत बढ़िया लगती है, और ये भी कलर बहुत बढ़िया लग रहा है यार इसका, जब ये धूप में लड़ रही, मैंने लड़ाई है पतंगें, बहुत बढ़िया लग रही है यार आसमान में जाके। तो इसके मैं लेकर आया था कम से कम 6-7 चौक इसके भी लेकर आया था मैं। चलिए इसे रखता हूँ फिर। और पतंग को मैंने काफ़ी सेफ तरीके से रखा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए फिर से ब्राउन है, ये पुरानी पतंग है यार ये, तो इसे भी हटाते हैं। अब की यार ज़्यादा पतंगबाजी नहीं हुई है, तो यार पतंगें ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुई हैं, सब ऐसी रखी हैं मेरी, अब देखते हैं जाड़ों में अगर होती है तो। ये देखिए, ये भी मैंने आपको पहले दिखा रखी लेकिन आपको फिर से दिखा देता हूँ, पतंग काफ़ी अच्छी है, सिर्फ 10 रुपये में मिलती है ये पतंग मुझे, इतनी ख़ास नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं एक कबूतर का डिज़ाइन दिया गया पतंग में, और पेपर जो है अजंता पेपर है, पतंग बढ़िया है पतंग वैसे, 10 रुपये में ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है पतंग, सही है। और ये भी देखिए ग्रीन, ये जो प्लेन में ग्रीन है वो 7 या 8 रुपये की है। इसके बाद
ये देखिए एक दो पतंगे मैंने पकड़ी हुई हैं इसमें, यहाँ से ये तो पकड़ी हुई पतंग है मेरी, और ये देखिए पटेदार पतंग है, ये भी खातिमा पेपर में। अब की बार जितनी ज़्यादातर मैं पतंगें लेकर आऊँ सारी खातिमा पेपर में लेकर आऊँ, अजंता पेपर तो मैं लाया नहीं हूँ। देखिए ये तो फिर वही रेड आ गई जो अभी आपको दिखाई थी, मैंने बताया बताया था आपको कि मैं लेकर आऊँ 6-7 चॉक लेकर आऊँ, और दो तीन तो मेरे यूज हो गए हैं और अभी भी रखे हैं 3-4। अब ये देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी कम देखने को मिलता है ऐसा डिज़ाइन, और मुझे पता नहीं है भाई इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, और अगर किसी को पता होगा इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं यार तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना मुझे। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो ये मुझे दिख गई थी दुकान में तो मैं ले आया इसका भी एक चौक, और इसकी भी जो कॉस्ट है वो 8 रुपये ही है, और अगर आपको इसका नाम पता हो इस डिज़ाइन का तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए फिर इसे भी हटाते हैं। अगली पतंग ये भी काफ़ी ख़ास पतंग है, क्योंकि ये जो पतंग है आपको दिखाता हूँ, मैंने पकड़ी है ये पतंग, और ये पतंग है भाई, ये देखिए ये पतंग है राजा काइट मेकर मुरादाबाद की, आप देख सकते हैं नंबर भी देख सकते हैं, काफ़ी फेमस कारीगर हैं यार ये मुरादाबाद के, इसलिए काफ़ी अच्छी पतंग है ये, पीछे से ब्लैक का चौक है। अब ये देखिए ये देखिए ये भी इसकी जो कॉस्ट है 8 रुपये, पतंग काफ़ी अच्छी है, घुटाई करी गई है आपको दिख रही होगी, और हल्की पतंग है थोड़ी, पेपर जो यूज हुआ है इसमें भी खातिमा का यूज हुआ है, घुटाई आपको दिख रही होगी क्लियर, और कॉस्ट इसकी 8 ही रुपये, तो इसे भी रखते हैं फिर। और आप देख रहे होंगे जो दिख मतलब जब मैं पतंग उठा रहा हूँ कोई चीज़ आपको नीचे गिरती हुई दिख रही होगी, तो भाई वो नीम के पत्ते हैं, और आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको ये फिनाइल की गोली भी दिख जाएगी, नेपथ्रीन बॉल कहते हैं, और इसको भी आप यार ज़रूर डालें, 3-4 नीचे पड़ी हैं और एक आती ये पड़ी है मेरी, तो इसे भी आप ज़रूर डालें क्योंकि इससे पतंग आपकी सेफ रहती हैं और आपका कीड़ा वीड़ा नहीं लगता है और नमी भी नहीं आती। अब ये देखिए ये वाला चौक, इसका जो ये डिज़ाइन होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसमें जो इन्होंने दिया है काफ़ी छोटा दिया है, चलिए कोई बात नहीं। इसकी भी कॉस्ट 8 रुपये ही है, देख सकते हैं आप यहाँ से, यहाँ ये देखिए इमरान की पतंग है, उसके बाद ये तो पुरानी पतंग है मैंने आपको दिखाई रखी है, ये पहले की पतंग है तो इसमें अजंता पेपर में भी है, तो इसे तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो आपने देख ही रखी है। अब जो पतंगे मैं आपको दिखाऊंगा वो पौनी दिखाऊंगा, पौनी भी रखी लाया हूँ मैं, तो चलिए फिर आपको पौनी भी दिखाते हैं, इसे भी हटा लेते हैं। अच्छा ये जो है ये तो अद्दी का ही चौक है, पतंग की आप सेप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यूनिक सेप है इसकी भी, ये देखिए थोड़ी चील काट में है, चील काट नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करी गई है, और ये देखिए ब्लैक। अच्छा जो अब ये पतंगें आ रही हैं, ये जो पतंगें हैं ये सब पौनी हैं, ये देखिए यहाँ से जितनी पतंगें हैं सब पौनी हैं, और इसके यार फर्मा बहुत बढ़िया लगा मुझे इस पतंग का, देख सकते हैं आप गोल फर्मा है भाई, ये देखिए रेड वाली दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गोल फर्मा है इस पतंग का, और इस पतंग की जो कॉस्ट है यार 15 रुपये, और ऐसी पतंगों की खासियत ये है कि ये पतंग लंबी रेंज में लड़ती हैं, जितनी लंबी रेंज में लड़ेंगी उतनी बढ़िया लड़ेंगी ये पतंगें, तो जितनी भी पौनी पतंगें होती हैं गोल फर्मी में जिनका थड्डा थोड़ा छोटा लगा होता है और काप बड़ी होती है तो वो पतंगें होती हैं लंबी रेंज के लिए, ये देखिए ये सारी पतंगें लंबी रेंज में लड़ेंगी। इसके बाद एक और चौक है इसी में का, वो ग्रीन कलर में है ये देखिए आप, और इसकी भी कॉस्ट 15 रुपये है, और काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे इससे पहले मैंने पतंग दिखाई थी तो वो कॉस्ट क्या है, तो भाई 15 रुपये की पड़ी है मुझे। इसके बाद ये देखिए ये भी पौनी है लेकिन इसका जो फरमा है वो लंबे फरमे में है, और इसकी जो कॉस्ट है ये मुझे 12 रुपये की पड़ी है भाई, बरेली में काफ़ी सस्ती पतंगें मिल जाती हैं आपको, पौनी 10-10 की भी मिल जाएंगी, बस अजंता में मिल जाएंगी, ये खातिमा है तो इसके 1-2 रुपये ज़्यादा हैं, हर टाइप की आपको पतंग मिल जाएगी बरेली में। ये देखिए स्काई ब्लू है ये भी पौनी में, इसकी भी कॉस्ट 12 रुपये है, चलिए इसे भी रखते हैं फिर। ब्लैक में पौनी, काम देख सकते हैं यार पतंग में काम अच्छा खासा करा गया,
ये भी 12 रुपये की। उसके बाद एक ये है रेड एंड ग्रीन, फिर से ब्लैक है। चलिए अब आपको और तो सब पुरानी पतंग है, बस एक ये वाला चौक बढ़िया है तो ये आपको दिखाता हूँ निकाल के। ये देखिए आप, यहाँ से ग्रीन है और ये पतंग मैंने पकड़ी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ सही से। तो पहले मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये देखिए ग्रीन कलर की पौनी पतंग है, इसकी भी जो कॉस्ट है 12 रुपये, ये देख सकते हैं आप। तो फिर अब इसे हटाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ काली वाली पतंग। ये देखिए पौनी पतंग है भाई, और ये मुड्डेदार पतंग कहते हैं, और लेकिन इसका डिज़ाइन देखिए कितना बढ़िया दिया गया है मुड्डे में। वैसे तो नॉर्मल होता है लेकिन इसमें बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है। पेपर खातिमा है और पतंग के जो मेकर हैं ये देखिए AM आदिल काइट, इनकी पतंगें आजकल बहुत चल रही हैं, ज़्यादातर पौनी पतंगें मुझे इनकी देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी नाम है भाई इनका भी बरेली में। तो दोस्तों यार यही था छोटा सा कलेक्शन मेरा, आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट है कि भाई काइट के कलेक्शन में वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने पतंगबाज दोस्तों में, और कमेंट भी करना अगली वीडियो किस पे चाहिए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।